नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से स्काई राइडर के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जिस तरह से स्काई राइडर आप लोगों के लिए तरह तरह का ही व्हीकल्स लेकर के आ रहा है, तो दोस्तों आज भी स्काई राइडर कंपनी आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका है एक बहुत ही बेहतरीन और ख़ास डिलीवरी वैन। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही अलग ढंग का डिलीवरी वैन है जो हर काम में आपके आपके यूज में आ सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में कि क्या खासियत है इस डिलीवरी वैन में और कौन कौन लोग इसे ख़रीद सकता है और इसमें क्या क्या फीचर्स है और इसके जो इंजन में मोटर लगा हुआ उस मोटर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक और देखते हैं आज के इस वीडियो में इस गाड़ी का जो फीचर्स है उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रंट लुक। तो दोस्तों, फ्रंट लुक में आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर स्काई राइडर इलेक्ट्रिक कंपनी जो कि ब्रांडिंग किया गया है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एक प्यारा सा प्योर ग्लास दिया गया जिसके साथ एक क्लीन यानी ग्लास क्लीनर जो वाइपर है वो दिया गया है। और आप देख सकते हैं दोनों तरफ साइड मिरर दिया गया है और ठीक ग्लास के नीचे आप देख सकते हैं जो गाड़ी का नंबर प्लेट है वो लगाया गया है। और उसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि एक LED हेडलाइट दिया गया है जो कि बहुत ही कमाल का है और इसका जो रोशनी है बहुत ही ज़बरदस्त है। और वहीं पे दोनों साइड आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में इंडिकेटर का जो लाइट है वो दिया गया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ब्लू और ब्लैक कलर में ये गाड़ी बहुत ही खूबसूरत दिखती है। दोस्तों, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि ये एक क्लोज गाड़ी है, यानी कि जो डब्बा बंद गाड़ी बोलते वो है, यानी कि ये पूरा ही ये ओपन गाड़ी नहीं है, क्लोज गाड़ी है। तो दोस्तों, आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं कि नीचे पे यहाँ पे बगल में ड्राइवर के बगल में ब्रांडिंग किया गया है स्काई राइडर और ठीक उसके ऊपर लोगो भी है जो कि और भी खूबसूरत बनाता है। वहीं पे आप इस डिलीवरी वैन पे जो मेन एरिया है उस पर आप देखेंगे नीचे की तरफ तो मेड इन उड़ीसा दिया गया है। तो दोस्तों, मेड इन उड़ीसा आप क्यों दिया गया, तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि जो हमारा स्काई राइडर का जो भी गाड़ी है वो मेड इन ओडिशा के तहत बनता है और जो हमारा स्काई राइडर कंपनी है वो ओडिशा में भुवनेश्वर में है। तो दोस्तों, आप बैक साइड में देख सकते हैं कि सबसे ऊपर देखा जाए तो ऊपर स्काई राइडर इलेक्ट्रिक का ब्रांडिंग किया गया है। फिर एक एक बड़ा सा डोर है जो कि दोनों तरफ खुलने वाला डोर है। वहीं नीचे में फिर से आपको देखने को मिलेगा जो गाड़ी का नंबर प्लेट है वो और दोनों तरफ इंडिकेटर का लाइट। और अब दोस्तों, हम लोग राइट साइड का लुक देखेंगे तो राइट साइड में भी ये पूरा ही क्लोज गाड़ी है, यानी कि पूरा बंद गाड़ी है। तो राइट साइड में भी कोई डोर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पे स्काई राइडर के लोगों के साथ मेड इन ओडिशा का जो ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिलेगा। और वहीं दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेंगे सीट का। जो ड्राइवर के लिए सीट है वो काफ़ी ही कम्फर्टेबल सीट है, लेदर फिनिश में ये सीट है। तो ये बहुत ही अलग ढंग से, और बैक सपोर्ट में भी एक जो सीट लगाया गया वो भी लेदर फिनिश में है और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंफर्टेबल बैक सपोर्टर है। तो इस हिसाब से जो ड्राइवर है और ड्राइवर के साथ जो उनके हेल्पर या उनके साथ जो बैठेंगे उनके लिए ये सीट बहुत ही ज़बरदस्त है। और वहीं दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे इस गाड़ी में जो ड्राइवर के लिए जो भी फीचर्स दिया गया है उस फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आगे का जो फीचर्स है वो देखा जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में सबसे पहला फीचर्स वो दोनों तरफ साइड मिरर है। साइड मिरर जो कि इस गाड़ी को मतलब सेफ ड्राइव के लिए ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही आवश्यक चीज़ है। तो दोनों तरफ से साइड मिरर दिया गया इसमें। और वहीं तो दोस्तों, वहीं मेन बात किया जाए तो दोस्तों इसमें एक प्यारा सा डिजिटल मीटर है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इसमें ये जो मीटर है ये बैटरी कितना चार्ज रहेगा वो शो करेगा, साथ ही में कितना का स्पीड आपका गाड़ी चल रहा है और उसके नीचे कितना किलोमीटर चल चुका है वो शो करेगा। और साथ ही में जो आपका गाड़ी का जो भी स्विच ऑन है वो स्विच शो करेगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है हेडलाइट ऑन होगा वो आपको शो करेगा। यहाँ पे हर एक चीज़ इसमें जो स्विच है गाड़ी में वो स्विच ऑन होने पर यहाँ पर शो करेगा। और साथ ही में गाड़ी आपका ऑन है वो यहाँ वो भी यहाँ पे है रेडी लिखा हुआ, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा ब्रेक व्रेक लगा हुआ नहीं है, वो सारा कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। वहीं दोस्तों, हैंडल का बात किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि डिपर दिया गया है जो ड्राइवर के लिए बहुत ही ज़रूरत है, अंधेरे में गाड़ी चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरत है। और वहीं पर
उसके नीचे देखा जाए तो इंडिकेटर दिया गया है जो दोनों तरफ के लिए एक स्विच दिया गया है, और ठीक उसके नीचे हॉर्न का स्विच दिया गया है जिससे, और ये जो स्विच है बहुत ही स्मूथ है, आसानी से वर्क करता है। और वहीं पे राइट हैंड साइड में देखा जाए तो दोस्तों आप सबसे पहले देख सकते हैं कि एक हैंड ब्रेक दिया गया जो कि बहुत ही कमाल का ब्रेक है और बहुत ही पावरफुल ब्रेक है। और वहीं पे एक बटन दिया गया जिससे हेडलाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। और वहीं पे साथ में सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, वहीं पे एक प्यारा सा बटन है जिसमें पे रिवर्स और फॉरवर्ड का ऑप्शन है। यहीं से आप इस गाड़ी को आगे पीछे कर सकते हैं। और वहीं पे आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में ही एक्सीलेटर दिया गया है जो कि एक्सीलेटर बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही शानदार है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे ब्रेक का, तो लेग में जो आपके लेग में जो भी फीचर्स दिया गया उसमें एक सबसे मेन फीचर्स जो है पावर ब्रेक का, तो ये वो ब्रेक है जिससे आप गाड़ी को आसानी से कहीं भी कितना भी स्पीड में कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं पे साथ में आपको मिल जाएगा एक प्यारा सा पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक आप कह सकते हैं इसे। ये हैंड ब्रेक और पार्किंग ब्रेक आप यूज़ तब कर सकते हैं जब गाड़ी को कहीं खड़े करते हैं, या बहुत देर के लिए आप इस डिलीवरी वैन को कहीं रख सकते हैं, या कहीं पे स्लोपिंग है उस स्लोपिंग पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही शानदार ब्रेक है। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे सस्पेंशन के बारे में। तो दोस्तों इस गाड़ी में जो सस्पेंशन लगा हुआ है वो टेलीस्कोप सस्पेंशन है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही अच्छा काम करता है। वहीं टायर का बात किया जाए तो इस गाड़ी के ज़रूरत के हिसाब से, यह गाड़ी जितना भी वजन उठाता उसके हिसाब से जो टायर डाला गया इस गाड़ी में, तो ये काफ़ी कमाल का टायर है। और ये ऑफ रोडिंग और जो भी हम्स होता है उसके लिए बहुत ही कम्फर्टेबल टायर है। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे बैटरी के बारे में। तो दोस्तों बैटरी के बारे में आपको बता दें कि दोस्तों इस गाड़ी में 48 वाट का बैटरी लगा हुआ है जो कि चार बैटरी में यानी 12-12 वाट का हर एक बैटरी है। और ये जो बैटरी है वो लेड एसिड बैटरी है, यानी कि ये बैटरी 5 से 6 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। और फुल चार्ज होने के बाद ये 90 किलोमीटर का बैकअप देगा। वहीं पर दोस्तों इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए प्यारा सा चार्जिंग होल दिया गया है जिसके थ्रू आप इस कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट करके इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और वहीं पे दोस्तों इसमें ऑटो ऑन ऑफ का जो कि एक सिस्टम है वो दिया गया है, यानी कि कहीं भी थोड़ा भी कोई फॉल्ट आता है तो ये गाड़ी अपने आप को ऑटो ऑफ कर लेता है जिससे आपका गाड़ी बहुत ही सेफ रहेगा। और ये जो सिस्टम है ये बैटरी के जस्ट बगल में दिया गया है। और दोस्तों इस बैटरी का जो चैम्बर है इसी चैम्बर में दोस्तों आप देख सकते हैं वेंटिलेशन सिस्टम भी दिया गया है जहाँ से इसके अंदर जो गर्म हवा बनती है वो आसानी से बाहर आ जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा बैटरी सिस्टम। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि इस डिलीवरी वैन में जो स्पेस दिया गया, जो जगह दिया गया वो कैसा दिया गया है। तो दोस्तों एक डिलीवरी वैन होने के नाते इस गाड़ी में, इस डिलीवरी वैन में बहुत ही बड़ा सा स्पेस दिया गया है, यानी कि आपके ज़रूरत के हिसाब से ये बहुत ही बड़ा स्पेस है। आप इस गाड़ी में 450 से लेकर के 600 केजी वज़न आसानी से उठा सकते हैं। और साथ ही में आप भारी से भारी और हल्का से हल्का सामान भी इसमें डाल सकते हैं। और ये टोटल ही क्लोज गाड़ी है तो इसके अंदर आप जो भी सामान डालेंगे वो काफ़ी ही सेफ रहेगा। दोस्तों आपको दिखा दूं कि इसके अंदर कितना स्पेस है, तो मैं इसके अंदर जा कर के आपको दिखा रहा हूं कि इसके अंदर कितना स्पेस है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जो इस डिलीवरी वैन का जो ये मेन एरिया है इसमें देख सकते हैं आप कि मैं आसानी से इसमें जा सकता हूं, आ भी सकता हूं, यानी कि कोई सामान इस पर डालने और उतारने के लिए जो इसमें स्पेस है, जो हमारा कंपनी जो डिज़ाइनर है उन्होंने काफ़ी कमाल का डिज़ाइन किया है जिसके थ्रू आप आसानी से कोई भी सामान इस पर रख सकते हैं और दो लोग इसके अंदर आ भी सकते हैं आसानी से, और सामान उतारने के लिए दो लोग आसानी से आ जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा एरिया है, इसमें आप बहुत सारा सामान कुछ भी जो आपके रिलेटेड, जो आपका कंपनी, जो आपके बिजनेस में यूज होता है उसे एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि इस गाड़ी को मेड इन ओडिशा के तहत बनाया गया, यानी कि मेड इन ओडिशा के तहत ही हमारा गाड़ी बनता है, स्काई राइडर का जो भी प्रोडक्ट है वो बनता है। तो मेड इन ओडिशा के तहत होने के कारण इस गाड़ी में एक एक्स्ट्रा मजबूती
एक्स्ट्रा ही मजबूती दिया जाता है। तो मजबूती के मामले में आप देख सकते हैं, आपको एक बार फिर से अंदर जा करके दिखा रहा हूँ कि दोस्तों इसमें इसका जो फ्रेम है वो बहुत ही हार्ड फ्रेम है। उसके बावजूद भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक सपोर्टर दिया गया है, फिर से ये एक सपोर्टर है, फिर से ऊपर से सपोर्टर, और ठीक उसी तरह इस साइड में भी दो दो एक्स्ट्रा सपोर्टर दिया गया, जिससे आपका गाड़ी और ये जो डिलीवरी वैन है वो और भी मजबूत हो जाता है। वहीं पे आप नीचे देख सकते हैं स्टील का लेयर जो कि यूज किया गया, जिसके कारण ये गाड़ी और भी बहुत ही मजबूत है। तो दोस्तों ये था डिलीवरी वैन का जो मेन एरिया है वो। तो दोस्तों ये था हमारा स्काई राइडर कंपनी का बहुत ही प्यारा सा डिलीवरी वैन। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और ये गाड़ी आपको अच्छा लगा, ये इस गाड़ी में कोई भी अगर छोटा सा भी पार्ट आपको अच्छा लगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि स्काई राइडर कंपनी ओडिशा में भुवनेश्वर में है, जटनी में है, जहाँ एक सेंचुरियन यूनिवर्सिटी के अंदर में इसका ऑफिस है। तो दोस्तों अगर ये गाड़ी आपको अच्छा लगा तो डिस्प्ले पे दिया गया नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर करें, और वहाँ पे इस गाड़ी के बारे में और भी फीचर्स आपको बताया जाएगा, किस तरह आप हमारे कंपनी से गाड़ी खरीद सकते हैं, और साथ में ये भी बताया जाएगा कि बिना हमारे कंपनी आए आपको जो भी गाड़ी पसंद है, हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारा गाड़ी है, कोई भी गाड़ी अगर आपको पसंद है वो गाड़ी आप किस तरह बिना हमारे ऑफिस आए, बिना प्रोडक्शन यूनिट आए, कैसे अपने घर तक मंगवा सकते हैं, ये सारा जानकारी आपको दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे मिलेगा, जहाँ पे आपको कॉल करके सारा कुछ जानना है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए स्काई राइडर यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।